एबीपीएस न्यूज टीम का अगला पड़ाव जनपद बदायूं के ब्लॉक आसापुर में स्थित दानपुर गांव पड़ा। लगभग 1700 की आबादी वाला यह गांव ब्लॉक से 9 किलोमीटर दूर तो जिला मुख्यालय से इस गांव की दूरी मात्र 60 किलोमीटर ही है। वर्तमान में गांव के प्रधान राम भजन है। लगभग 800 वोटर वाला यह गांव विकास के पथ पर अग्रसर है। गांव में वर्तमान समय में लगभग 159 राशन कार्ड धारक हैं। बात अगर शिक्षा के स्तर की जाए तो गांव की प्राइमरी पाठशाला में लगभग 135 बच्चे अध्ययनरत हैं। बात अगर विकास कार्यों की जाए तो गांव में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 15 हैंडपंप लगे हुए हैं, जिसमें से 8 हैंडपंपों को वर्तमान प्रधान द्वारा रिपोर कराया गया है। वहीं विद्युत व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए गांव में 35 विद्युत पोल, 2 विद्युत ट्रांसफार्मर व 6 सोलर लाइट भी लगी हुई हैं। इसी के साथ वर्तमान प्रधान द्वारा गांव में 6 सीसीटाइज रोड, खड़ंजे, विद्यालय में मरम्मत कार्य है, पानी निकासी के लिए नाली व प्राथमिक विद्यालय में टंकी का निर्माण भी कराया गया है। वहीं वर्तमान प्रधान की देखरेख में गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घरों व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास का भी निर्माण कराया गया है। एबीपीएस न्यूज टीम से बात करते हुए वर्तमान ग्राम प्रधान ने गांव में सीसीटाइज रोड, खड़ंजे, पंचायत घर, आंगनबाड़ी केंद्र, बारात घर, शमशान घाट, धर्मशाला, खेल के मैदान की बाउंड्री, पानी निकासी के लिए नाला, तालाब, स्वच्छ भारत मिशन के तहत इज्जत घर व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के निर्माण की मांग राज्य व केंद्र सरकार से की है। मैं प्रधान पुत्र सतवीर ग्राम बेगम नगर उर्फ दानपुर भूल बिसौली जिला बदायूं सरकार ने मुझे जितना भी दिया धन दिन मैंने ईमानदारी के साथ कार्य किया। सीसी निर्माण स्कूल में कार्य करवाया और सौर लाइट लगवाई। मेरे ग्राम पंचायत में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। धन ना मिलने की वजह से जनता से जो वादा किया थे वे मुझे पूरा नहीं करवाया रहा हूं। हमारे यहां बारात घर नहीं, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं, पंचायत घर नहीं, कर्मशाला नहीं और रोड नाली भी नहीं। जनता सरकार ज़्यादा से ज़्यादा धन दे। खेल मैदान में अपनी ग्राम पंचायत कार्य विकसित कार्य सूचित